सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह की रील एडिट करना जो कि इस समय बहुत वायरल हो रही है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरह की एडिटिंग तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको VN ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने के बाद अपने मोबाइल डेटा को ऑन रखना है और ऊपर की साइड जो स्कैन वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर गैलरी वाले व्यूअर आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले कोड को ऐड कर लेना है। कोड ऐड होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूज टेम्पलेट नेम की जगह डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यूज टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी 5 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमारी रील बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन इसमें टेक्स्ट हमारे नहीं होंगे, जैसे आपको नाम अलग मिलेगा। तो इसके लिए आपको नीचे ही साइड 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लिप और टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है और दोनों टेक्स्ट को आपको एडिट पे जाके इनको रिमूव करके अपना टेक्स्ट जो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको स्पेस देकर अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है, नेम ऐड कर लेना है और नीचे साइड अल्ट्रा है उसकी जगह भी चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अल्ट्रा की जगह फोटोग्राफी टाइप कर लेता हूँ। तो ये होने के बाद अब देखिए, फिर से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हमारे रील में टेक्स्ट चेंज हो चुके हैं। तो इसमें साउंड आपको इसी में मिल जाएगा, आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद अब अपनी रील को, इसको वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर की साइड एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, जो राइट कॉर्नर पर दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ को 1080p 30fps रखना है और बिटरेट को 20mb से ऊपर रख के सेव कर लेना है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।